सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में जिस तरह से राजनीति की है उससे अब यह महामारी देश में मानव निर्मित त्रासदी बन चुकी है। जनता भाजपा सरकार द्वारा पैदा किए गए इस संकट में जान गंवा रही है। बीते दिन दुनिया में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े में हर तीसरा व्यक्ति भारतीय था, यह चिंताजनक है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए कही। देश में कोरोना महामारी से निपटने में कांग्रेस पार्टी बाकी सब काम छोड़कर एकमात्र मानवता के ऊपर आए इस संकट से जनता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस समय काल में भी जहां इन चीज़ों से जनता के संकट के प्रति जो है वो लापरवाह बनी हुई है, वहीं पे षड्यंत्रों से बाज नहीं आ रही है। जिस तरह से एक फर्जी टूल किट बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पैड के ऊपर वो चीज़ें फर्जी चीज़ें लिखकर देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की कांग्रेस के खिलाफ, ये निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी की उस सोच को दर्शाता है जो हमेशा जब भी जनाक्रोश बढ़ता है भाजपा के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश करती है कि किसी तरह से जनता का ध्यान उन जन समस्याओं से, उन जनाक्रोश से, ज्वलंत मुद्दों से भटकाया जाए। ये कांग्रेस का जिस तरह से कांग्रेस निस्वार्थ सेवा में लगी है उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है। निसंदेह कांग्रेस ने इसके प्रति जो है वो पुलिस को, दिल्ली पुलिस को जो है वो FIR दर्ज करने की जो है शिकायत दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय मानवता की रक्षा करने का है। आज स्थिति इतनी ख़राब है, इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण ध्यान अपने कोरोना से निपटने की तरफ देना चाहिए, ना कि इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाकर। ये कूटनीति नहीं है, ये कुटिल नीति है, इसलिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम किसी भी तरह से विचलित होने वाले नहीं हैं। जो हमारा लक्ष्य है कि मानवता की सेवा के लिए निस्वार्थ तौर पर सेवा करनी है, हम उस लक्ष्य के प्रति अडिग हैं और अपनी सोच के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी चाल इस काम से विचलित नहीं कर सकती। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।